उभरते भारत की तस्वीर, अंबुजा पब्लिक स्कूल राबटियावास। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंगलवार को बजरी रॉयल्टी नाका वालों के खिलाफ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बाबूलाल मीणा के नेतृत्व में एसडीएम को मुख्यमंत्री और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन दिया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मीणा ने बताया कि जिले के बजरी रॉयल्टी नाके वाले आए दिन निर्दोष लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट और गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। यहां तक कि इनके आतंक से ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र के लोगों में दहशत का इतना माहौल पैदा हो गया है कि लोग दिन हो या रात अपने काम से निकलने में भी लोग संकोच करते हैं। सभी ज्ञापनधारियों ने प्रशासन से आग्रह करते हुए कहा कि इन लोगों पर एक्शन लें और कार्यप्रणाली में सुधार करें, अन्यथा किसी दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। वक्त रहते हुए इन पर पाबंदी लगाई जाए, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर कजोड़ मीणा भगवतपुरा सीबीएस जिला अध्यक्ष सुदामा निभाई, राकेश मीणा, मोहन मीणा, प्रतापपुरा सूरजमल, हरलाल ठेकेदार, सुरेश प्रकाश, शंकर राम खिलाड़ी, सलमान अभिषेक, विजय राजा राम, केदार सुमेर राजावत आदि मौजूद रहे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निभाई, आज हम ज्ञापन देने आए हैं कि जो इस जिले के अंदर टोंक जिले के अंदर जो बजरी रॉयल्टी नाके वाले हैं वो जगह जगह नाका लगा रखे हैं, लीज हुई है, चलो उनका कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन ये लोग इसकी आड़ में लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। जिनका बजरी से कोई संबंध नहीं है उनके साथ आए दिन उनके वीडियो, उनकी फोटो हमारे पास है। अभी इन मात्र 10 दिनों के अंदर कम से कम 10 मुकदमे ऐसे हुए हैं जिनमें कोई गाड़ी लेके जा रहा है शादियों का आड़ बांटने, उसको रेकी के हिसाब से उसको बिना पूछे उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, सिर फोड़ दिया। 5 दिन में भी जयपुर से आए, अभी 5 दिन नहीं हुए, उससे पहले राकेश गाड़ी लेके जा रहा था जयपुर, रात को 10 बजे की घटना है, 10:30 के बीच की घटना है। यहाँ से जो NBC है वहाँ से गाड़ी लगाई बोलेरो पीछे, एक कैंपर लगा दी पीछे, जैसे नाके के पास पहुँचे पूरे लोगों ने 60-70 लोगों ने एक साथ अटैक किया, गाड़ी के शीशे फोड़ दिए, कैसे करके जान बचा के भाग के आए वहाँ से। और जब उनसे पूछा गया कि आपने किस आधार पर ये मामला किया, साहब गलती से लोकेशन लग गई, आपके लिए तो एक छोटी सी गलती है ये लोकेशन की, अगर इसके टूटफाट हो जाती, इसकी मृत्यु हो जाती, कोई भी अगर कोई अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। तो मैं इस मामले में मुख्यमंत्री महोदय और SP साहब से निवेदन करता हूं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और आम जनता को इसे राहत, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रात को इतनी दहशत हो गई कि लोग रात को घरों से बाहर नहीं जाते किसी काम से। थोड़े दिनों पहले जो यूरिया कट्टा लेने गए लोगों, उनको बजरी के चक्कर में उनके दोनों भाइयों के हाथ पैर तोड़ दिए। तो इस तरह की गुंडागर्दी यहाँ इस टोंक जिले के अंदर नहीं चलेगी। हमारे जिला, हमारे लोग, हमारी बजरी यहाँ से लेके जा रहे, हमारे लोगों के साथ मारपीट, तो ये अन्याय हम नहीं सहेंगे। ये हम प्रशासन को ये चीज़ अवगत कराने आए हैं, अगर वक्त रहते हुए इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा, इसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी।